वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तो जनरल कुलकर्णी वंदे मातरम इंडिया वंदे मातरम जय हिंद। दिल्ली में किस तरह से परेड की तैयारी है वो जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट स्पेशल हर लिहाज से, तस्वीरों के लिहाज से, इंफॉर्मेशन के लिहाज से, इतिहास से जुड़े हुए तथ्यों के लिहाज से, हमारे खास मेहमानों के लिहाज से भी। और तस्वीरें हम आपको कहां से दिखा रहे हैं? दिल्ली की परेड की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, लद्दाख की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह 15,000 फीट की ऊंचाई और -40 डिग्री का तापमान भी हमारे जवानों के हौसले पर असर नहीं डालता है। देखिए किस तरह से तिरंगा फहराने की तस्वीरें वहां से आई हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने उत्तराखंड में -30 डिग्री सेल्सियस तापमान और भारी बर्फ के बीच ये तिरंगा फहराया है और भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। हम चाहेंगे आप जरा इन्हें सुने, इन्हें सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये आजादी, ये वहां खड़े हैं हमारी आजादी महफूज करने के लिए, इस देश की आन बान शान को बनाए रखने। जिस आवाज को आप सुन पा रहे हैं, जिस हवा को आप सुन पा रहे हैं, सोचिए जरा जब वो शरीर से टकराती होगी तब कैसा महसूस होता होगा। और तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ फहराता हुआ, इससे ज्यादा दिल खुश करने वाली कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती किसी भारतीय के लिए। सरहद पर हमारा जवान डटा है, बर्फ के बीच भी तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में गणतंत्र दिवस के मौके पर बर्फ की मोटी चादर है तो क्या हुआ, जय जवान का नारा, जय जवान का उद्घोष किस तरह से गूंज रहा है देखिए। भारतीय सेना की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल से सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। और हम इनसे कहना चाहते हैं भारत माता की जय। आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं अब किस तरह से 2015 से लेकर 2021, क्योंकि 2022 की तस्वीरों का तो हर किसी को इंतजार है। प्रधानमंत्री किस तरह के साफे के साथ आए हैं, उनके कपड़े क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर 2015 से लेकर 2021 तक की ये तस्वीरें। गणतंत्र के मंच पर प्रधानमंत्री का साफा लगातार सुर्खियों में रहा है। कौन से कलर का साफा प्रधानमंत्री ने किस साल में पहना है, ये एक छोटी सी ट्रिविया इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी इंतजार किया जा रहा है, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री का जो साफा है किस कलर का होगा। जनरल कुलकर्णी, हर कोई इस वक्त ये गेस करने की भी कोशिश कर रहा है यहाँ पर। आपको क्या लगता है जनरल कुलकर्णी, कौन से कलर का साफा आ जाएगा? सैफ्रन तो होगा। इतने तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी साफा है उन्होंने डाला है एक बात को जरूर दर्शाता है कि भारत की एकता, भारत के तीनों रंग, सैफ्रन भी है,
सफ़ेद भी है और हरा भी होगा, और उसमें मुझे कोई शक नहीं कि तिरंगा का जो जो कलर्स हैं वो वाकई अपना देश का जो झंडा है प्रेरित करता है, और देख करके जोश आता है, और वो जोश और जज्बा मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी अपने साफे में जरूर दिखाएंगे। हर कोई महसूस कर पा रहा है, तो प्रधानमंत्री भला कैसे इससे अछूते रह सकते हैं। उनमें भी वो जोश, वो कलर्स के माध्यम से वो मैसेज देने की कोशिश जरूर होगी। हमारे साथ कमांडर शरणजीत आहूजा। कमांडर सर जय हिंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जय हिंद। जय हिंद सर, हाउ इज द जोश? The Josh has been already put forward by General Kulkarni in the right spirit. I cannot match General Sanjay Kulkarni's Josh. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai Hind, everybody. General. जी जी बोलिए कमांडर साहब। अदिति। हाँ जी। और बाकी सब। अदिति। सावंत ब्रिगेडियर सावंत सर और अनेजा सर, जिनके साथ मैंने 1982 में इसी रिपब्लिक डे से अपना एक भार संभाला था नेवी की तरफ से, और आज मुझे जनरल सावंत को फिर से देख के, ब्रिगेडियर सावंत को फिर से देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है, और ए वाइस मार्शल अमित अजनेजा और संजय कुलकर्णी और रति, आप सबके साथ पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ आज के 73rd रिपब्लिक डे पे। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और जो जोश हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे दिलों के अंदर फूका हुआ है वो आज उभर कर पूरे देश में, पूरे बाहर, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, कनाडा में, कहीं भी चले जाइए, कितने लोग आज उत्साह के साथ हमारे इस शो को देख रहे होंगे अदिति, और वो गदगद हो रहे होंगे, चाहे वो यहाँ पे नहीं है। मैं भी वहाँ पे 2 साल से फंस गया था, पर मेरा गौरव है कि मैं वापस आके इस गणतंत्र दिवस पे ये आपके साथ भाग ले पा रहा हूँ। मुझे कुछ बताने की मैं चेष्टा करना चाहता हूँ कि आज के दिन बच्चा बच्चा अपने मोबाइल के ऊपर ये प्रोग्राम देख रहा होगा। ये कोविड के कारण आज के दिन जो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है उसके कारण वो जो ये बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए बहुत आवश्यक है कि 75 साल पहले हम ब्रिटिश राज से 200 साल के बाद हम आज़ाद हुए थे, और 1950 में 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था और हम एक रिपब्लिक बने थे। वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानना कि जो पहली की 1950 से लेके 1954 ये परेड होती थी नेशनल स्टेडियम पे, लाल किला में, किंग्सवे कैंप में और रामलीला ग्राउंड में, 4 जगह होती थी। और सबसे पहले मुख्य अतिथि जिन्होंने 1950 में, वो थे इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्तो, जिन्होंने की चीफ गेस्ट के उस पे हमारा पहली बारी जिन्होंने हमारे देश में सवर्ण रिपब्लिक के रिपब्लिक डे पे भाग लिया था। उसके बाद 1955 से लेके ये राजपथ पे ये वाली जो परेड हो रही है आप देख रहे हैं, ये पहली बारी 1955 से स्टार्ट हुई थी, जो आज तक चलती आ रही है, और जिसका कि दायरा होता था 8.3 किलोमीटर का, जो आज के दिन इसको कम करके 3.3 किलोमीटर पे ले आए हैं। मेरी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आज के बच्चों के लिए, और आज के हमारे बड़े बूढ़ों को भी याद दिलाने के लिए कि वो किंग्सवे कैंप और लाल किला और कहाँ कहाँ उन्होंने ये परेडें देखी थी, उनमें से कुछ लोग आज भी 80-90 साल के जीवित हैं, जिनके लिए गर्व की बात होगी। उनमें से ब्रिगेडियर सावंत होंगे जरूर, आई एम 100% श्योर। मैं तो 70 का हूँ, मेरे आई डू नॉट नो बाकी लोग किस उम्र के हैं। कमांडर साहब वो लगातार मुस्कुरा रहे, और आपने कहा कि भारत की तस्वीरें जी न्यूज 150 से ज्यादा देशों में देखा जाता है, मैं आपको ये श्योर कर सकती हूँ। तो इस समय भारत की ये जो तस्वीरें हैं, ये जो ब्रॉडकास्ट है, और जो भारत की आन बान शान की तस्वीरें, जो परेड की तस्वीरें आएंगी, वो दुनिया भर में जी न्यूज के माध्यम से देखी जाएंगी। ब्रिगेडियर सावंत, अभी थोड़ी देर पहले नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, कमांडर आहूजा आपको देखकर तो इतिहास का बोध हो जाता है, इतिहास याद आने लगता है, आपकी आवाज तो भारतीयों के कानों में गूंजती रहती है।
ब्रिगेडियर सावंत की आवाज को कौन नहीं जानता, ब्रिगेडियर सावंत से जी 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 वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर सर आवाज नहीं आ रही है, ब्रिगेडियर सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ब्रिगेडियर सर इसको फिक्स कराएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को लगातार हम ये बता रहे हैं कि ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट है, बहुत ही खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल अमित अनेजा भी हैं। एयर वाइस मार्शल अनेजा, यहाँ पर आपका जोश हाई, हमारे सैनिकों का जोश हाई, हमारे फोर्सेस का जोश तो हमेशा हाई। ये रिपब्लिक डे चैलेंजेस के लिहाज से आप किस तरह से इसे देखेंगे, क्या ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण जिस तरह से हमारे खिलाफ LAC और LOC पाकिस्तान तो लगातार करता ही था, चाइना द्वारा भी लगातार कोशिश की जा रही है, ज्यादा चैलेंजिंग? सबसे पहले तो मैं अपने सभी पैनलिस्ट को हार्दिक अभिनंदन और मुबारकबाद देना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस पर। बहुत फख्र महसूस हो रहा है, इतने इलस्ट्रियस पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। और ये जरूर कहना चाहूँगा अदिति, आपका जोश देख के भी काफ़ी प्रेरणा मिल रही है, जिस तरह से आपने एक माहौल बांधा हुआ है स्टूडियो के अंदर। नहीं नहीं सर, मैं तो आप लोगों से इंस्पायर्ड हूँ, ये आपका जोश है जो अदिति त्यागी के थ्रू जा रहा है, और ये जोश सिर्फ अदिति त्यागी का जोश नहीं है, ये भारतीयों का जोश है। और आप लगातार बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 साल में विदेश थी, 2 साल, 15 अगस्त और 26 जनवरी मैं रोती थी, इसलिए रोती थी क्योंकि मैं उस तिरंगे को महसूस करना चाहती थी, मैं अपने देशवासियों के साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी सेलिब्रेट करना चाहती थी। तो आज मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने आदिति, बहुत अच्छा लगा ये सुन के 150 देशों में आपका चैनल देखा जा रहा है। भारत इस वक्त जो आपका सवाल बहुत अहम रहा है कि भारत इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे है और आगे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और दुनिया में जब कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके आगे चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ती हैं। और आपने ठीक कहा कि इस समय जो साफ दिखती हैं वो चुनौतियां हमारी चीन की तरफ से है और पाकिस्तान की तरफ, जो कि कई सालों से रही है, लेकिन उसके अलावा कई तरह की आर्थिक और कई तरह की चुनौतियां हमारी सारी दुनिया में हैं। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि एक तिहाई लोग 35 साल की उम्र के नीचे हैं, हमारे देश के सारे नागरिक जो हैं एकजुट होकर देश की प्रगति के अंदर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि ना केवल फौज पर हमारा हर नागरिक जो है इस समय देश की तरक्की में फख्र महसूस करता है, और उस तरक्की के आगे कोई भी बाधा आएगी तो सारा देश मिल के हाथ में हाथ मिला के फौज के साथ अंदर से और बाहर से देश को सुदृढ़ करेगा और हर चुनौती का सामना करेगा। इसका इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ब्रिगेडियर सावंत, क्या मेरी आवाज इतनी कड़क और बुलंद कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, थोड़ी सी और चटक हो जाए अदिति तो और भी अच्छा रहेगा। कोशिश करूंगी सर, कोशिश करूंगी। मुस्कान तो बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु शब्द जो है उतने तेज नहीं है जितने होने चाहिए। जो आमतौर से आप बोलती हैं वो अधिक चटक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अब मैं 88 वर्ष का होने वाला हूँ तो आवाज अब कम सुनाई देती है। नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा जब नहीं है, आपसे सुन पा रहा हूँ। आप मेरे जो दूसरे शो जिसे आप चटक पाते हैं सर, उसमें आप नहीं होते हैं ना सर, आप जैसे जनरल्स नहीं होते हैं, डिफेंस फोर्सेस के जो वेटरन्स हैं वो नहीं होते हैं, तो आपके सामने मैं कहाँ ठहर पाऊंगी सर, और ना ही मैं यहाँ पर ठहरने की कोशिश कर रही हूँ ना कम्पीट करने की। ब्रिगेडियर सावंत, मैं आपको सुनना चाहती हूँ, आपकी चटक आवाज को सुनना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है भारतीय भी इस वक्त ब्रिगेडियर सावंत को सुनना चाहते हैं। वंदे मातरम, ये देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्यों नहीं, क्योंकि हम इतने वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं और हर वर्ष
प्रतीक्षा करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं। और यूँ देखिए आप कि लड्डू जो है वो हमेशा खिलाया जाता है, चाहे कि और भी मिठाइयाँ क्यों ना हो, क्योंकि लड्डू सर्वमान्य है और इसीलिए लड्डू खिलाना परंपरा के अनुसार चल रहा है। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो यहाँ कई नई चीज़ें हम देखेंगे। पहला तो ये कि क्योंकि ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है, 75 वर्ष हो रहे हैं, तो इसीलिए फ्लाईपास्ट पे 75 विमान आप देख सकेंगे और तरह तरह के विमान आप देख सकेंगे। हल्का सा कोहरा है, इसीलिए जैसा पहले आपको सूचित किया गया है, आज की परेड आधा घंटा देर से आरंभ हो रही है, बजाय 10 के 10:30 बजे, वरना आमतौर से ठीक 10 बजे शुरू हो जाती है। ये चाहे लद्दाख हो, बर्फ से ढकी हुई चोटियां हो, वहां भी अब तिरंगा लहराते हैं। तिरंगा हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। आन बान शान तिरंगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। और इसके लिए तो हम अपनी जान निछावर कर रहे हैं। और आप ये देखिए, क्या सन्यासी, क्या गृहस्थ, क्या सैनिक, क्या असैनिक, सभी के मन में एक उत्साह है, एक उमंग है, और वो उत्साह और उमंग जन जन तक पहुंच रहा ही है, सभी में व्याप्त है। और हम आप देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एकदम सैनिक से समान तन करके खड़े हुए हैं, और ऐसा तन के खड़े हैं कि जैसे लगते हैं वो स्वयं सैनिक हो। जी, इसमें कोई शक नहीं कि सन्यासी और सैनिक एक समान है। सर, मैं आपसे ये मैं आपसे समझूंगी, और दर्शक, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को भी समझाइए, क्योंकि आपकी चटक आवाज। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।